नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। तो इस वीडियो से मैं एक सीरीज़ को अपलोड करने वाला हूँ। वैसे इस सीरीज़ में मैंने दो वीडियोस पहले अपलोड कर दिए हैं और मैं उसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगा जो आपको एंड स्क्रीन पर देखने को मिल सकती है। हाल फिलहाल मैं इस वीडियो में कुछ ज़्यादातर बातें नहीं करूँगा क्योंकि मैं थोड़ा अपसेट हो चुका हूँ क्योंकि मेरे को यूट्यूब बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो फिर भी मैं वीडियोज़ तो लाते रहूँगा और उसी तरह से वीडियो लाने के लिए मैं अब ये सीरीज़ चालू करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको जिप्सी के कलेक्शन दिखाए हैं जो अच्छी तरह से मॉडिफाई किए गए हैं। अब जिप्सी को बहुत तरह से मॉडिफाई किया गया है और उसको मॉडिफाई करने की कोई भी लिमिट नहीं है। लोग जैसे चाहते हैं उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ कि जिप्सी को मॉडिफाई करने के लिए या फिर आपको एक अच्छी खासी जिप्सी खरीद कर मॉडिफाई करने के लिए क्या क्या आइडियाज़ और प्रेफरेंस देना चाहिए। तो सबसे पहले आप किसी भी मिलिट्री व्हीकल को ख़रीद सकते हो जो लगभग 10 से 12 साल पुराना होना चाहिए, या फिर आप 7 से 8 साल पुराना मॉडल भी ख़रीद सकते हो। नॉर्मली आप खाली जिप्सी का 10 साल पुराना ही मॉडल लीजिएगा मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से, ताकि उसको आप 5 से 10 साल तक आराम से चला पाए अगर आप उसका पेट्रोल वर्जन चलाते हो तो। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऑप्शन दिखाए हैं, आप उनमें भी कुछ भी ट्राई करवा सकते हो या फिर उन दोनों को मिक्स कर भी आप अपनी जिप्सी को अलग से मॉडिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहली है हमारी इस लिस्ट में, वो है मॉडिफाइड जिप्सी बाय मोटरमाइंड। अब इस कार को आप ऑरेंज कलर में देख सकते हो, इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग कस्टमाइजेशन देखने को मिल सकता है। अब हमारी सेकंड जिप्सी है, वो है मॉडिफाइड जिप्सी फ्रॉम केरला। ये एक रैली कार जैसी लग रही है, इस पर बहुत सारे अलग अलग स्टिकर वगैरह लगे हुए हैं और इसको रेड फिनिशिंग जो दी गई है वो भी काफ़ी अच्छी दिख रही है देखने में। थर्ड नंबर पर आती है हमारी मॉन्स्टर मारुति जिप्सी। इस जिप्सी में इसके टायर जो है वो मॉन्स्टर ट्रक जैसे लगाए हुए हैं और बड़े टायर हैं, बड़ी प्रोफाइल है टायर की, साथ में सस्पेंशन को भी ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है और बड़ा कर दिया गया है। ये गाड़ी पहाड़ों में चलने के लिए बहुत ज़्यादा आरामदायक हो सकती है, बाकी इसको रोड पर चलाना स्टेबिलिटी खो देने के बराबर ही है। अब बात करते हैं कुछ मॉडर्न टाइप की जिप्सी के बारे में। ये एम क्राफ्ट के द्वारा डिज़ाइन करी गई है और इसको आप अपनी स्क्रीन पर देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हो, मैं उसको बोलूँगा तो आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल भी लग रही है ये गाड़ी। अब हम बात करते हैं स्नो रेडी मॉडिफाइड मारुति जिप्सी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। इस गाड़ी को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, इसमें बहुत सारा मॉडिफाई वर्क तो नहीं किया गया है लेकिन जितना ऑफ रोडिंग के लिए या फिर स्नो में चलने के लिए काम आ सके उतना इसमें काम किया गया है। जैसे स्नॉर्कल हो गया, बड़े टायर हो गए जिसमें अच्छी खासी ग्रिप मिलती हो, साथ में ऑफ रोडिंग बम्पर हो गया और इस गाड़ी का कलर वगैरह चेंज करा दिया गया है। बाकी इसमें अभी भी सॉफ्ट टॉप ही आपको इसमें मिलता है। अब इस लिस्ट की आखिरी गाड़ी है, वो है ऑल ब्लैक मॉडिफाइड जिप्सी। इस गाड़ी में आपको हार्ड टॉप भी दिया गया है, साथ में इसमें स्नॉर्कल वगैरह लगा हुआ है, इसमें मॉडर्न एलिमेंट देने की भी कोशिश करी गई है, साथ ही में इसमें अच्छा खासा ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी भी ऑफर कर दी गई है हाई प्रोफाइल टायर के साथ में। तो इस गाड़ी को भी आप प्रेफर कर सकते हो। तो इस वीडियो का क्रेडिट मैं इंडियन ऑटो ब्लॉग्स को देना चाहूँगा जिनकी वेबसाइट से मैंने सारी डिटेल्स को कलेक्ट करा और आपको सबको ये बताया है। तो अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप जाकर पढ़ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब किए ना जाना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।